हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 11.5 रुपए का शेयर है, 7.5% की बड़ी तेजी है, हालांकि 8% से भी ज़्यादा की तेज़ी थी आज यहां पर। लेकिन बात करेंगे वीडियो में कि वैसे तेज़ी क्यों आई। और देखो, सुबह में यहां पर 8% की तेज़ी थी, 8-9% की तेज़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो तेज़ी नीचे की तरफ भी जा रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 11 रुपये का है, आज मॉर्निंग में अच्छी तेज़ी थी, अब सिर्फ 6.5% की तेज़ी रह चुकी है। और वजह भी है आज, हालांकि उससे पहले लगातार ये गिर ही रहा था, एक महीने में 30% की गिरावट है, लगातार गिरा था ये। और थोड़ी सी राहत फ्राइडे को मिली थी और आज यहाँ पर अच्छी राहत देखने को मिल जरूर रही है। और उसके पीछे भी जाहिर सी बात है, खबरों का यहाँ पर बाजार गर्म है, जिसके चलते आज के टाइम पर तेज़ी आई है। और जो खबर थी वो यहाँ पर ये थी कि एक मेगा डील इन्होंने करी हुई है 3 बड़े ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, $3.6 बिलियन की ये डील है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये की डील कह सकते हो, अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। और ये जो डील हुई है वो नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ हुई है फॉर सप्लाई नेटवर्क इक्विपमेंट। अगेन, वोडाफोन आइडिया के पास पैसा आएगा नहीं, वोडाफोन आइडिया इनको ये पैसा देंगे ताकि नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जो है वो इन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा सके, जिससे ये आने वाले टाइम में अपने 4G एक्सपांशन को और बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर लगा पाए। द डील मेक्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ कंपनीज 3-year कैपेक्स प्लान वर्थ टोटल $6.6 बिलियन, विच विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ इट्स 4G पॉपुलेशन कवरेज फ्रॉम करंट 1.03 बिलियन टू 1.2 बिलियन। तो यहाँ पर लॉन्च करेंगे, इवन 5G नेटवर्क को भी इनको लॉन्च करना है, ठीक है। और उसको लेकर भी यहाँ पर इनको इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और उनके लिए इन्होंने इन 3 बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है और मेगा डील यहाँ पर करी हुई है, कह सकते हो आप यहाँ पर मेगा डील यहाँ पर है। वोडाफोन का ये भी कहना है कि वी आर ऑन आवर जर्नी ऑफ वोडाफोन आइडिया 2.0 फ्रॉम द हेयर ऑन, एंड वोडाफोन विल स्टेज अ स्मार्ट टर्न अराउंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द इंडस्ट्री ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नोकिया एंड एरिक्सन हैव बीन आवर पार्टनर सिंस आवर इंसेप्शन एंड दिस मेक्स अनदर माइलस्टोन इन द कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप। ये वोडाफोन की जो CEO है उनका ये कहना है यहाँ पर। और अगेन, अच्छी बात क्यों है ये, क्योंकि इन 3 बड़े ग्लोबल प्लेयर ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया कि भैया ये पैसा दे पाएंगे हमें, क्योंकि इन्हीं को पैसा नहीं चुका पा रहे थे। लेकिन बाद में इनके साथ इन्होंने इक्विटी डील भी करी हुई, जो आपको पता हो तो, जो नोकिया के साथ इक्विटी डील इन्होंने करी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो पैसा नहीं दिया था, लेकिन शेयर्स दे दिए थे, और मैंने कहा था कि ये लोग शेयर बेचेंगे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से डील हो रही है वो किस तरीके से होने वाली है। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, लेकिन अगेन खबर का जो इम्प्रेशन है वो 1-2 दिन रहेगा, 1-2 दिन तेज़ी रहेगी, बाद में फिर से यहाँ पर गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो मैं इस कंपनी को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कहा था कि मौके नहीं बन रहे हैं, जब 16 पैसा 17 पैसा तब भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वोडाफोन आइडिया ने जिन जिन लोगों को अपने शेयर्स दिए हैं पैसों के बदले, उनको चाहिए था पैसा, इन्होंने दिए शेयर्स, तो भैया वो बेचेंगे आने वाले टाइम में उसको, तो ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिलेगी, और यही हो भी रहा है। वॉल्यूम्स देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में हर रोज़ ट्रेडिंग हो रही है, बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलमोस्ट 77 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मार्केट कैप इसका 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर। अगेन मुझे लगता है कि आज अच्छी खबर आई है, उसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आई, हो सकता है कि कल भी आए, लेकिन बाद में गिरावट आएगी यहाँ पर, वापस वहीं जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं हैं इनके, ख़राब ही नंबर रहे इनके, रेवेन्यू वाइज भी, इनके प्रॉफिट के हिसाब से भी बहुत ख़राब थे ये, लगातार बड़े बड़े लॉस इनको झेलने पड़े हैं। और मैं इंटरेस्टेड हूँ इनके सितंबर क्वार्टर के जो नंबर आएंगे उसको देखने के लिए, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ाया गया है तो एटलीस्ट नंबर में हमें 15-20% का जंप देखना चाहिए, उसके बाद के क्वार्टर में और अच्छा जंप मतलब दिखना चाहिए। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखो PE रेशियो इसका नेगेटिव में होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है।
29% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें, फिनांशियल्स देखोगे अगर आप इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के लॉस थोड़े से कम ज़रूर हुए थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब सितंबर के नंबर्स आए तो लॉस और ज़्यादा कम होता नज़र आए। तकरीबन 5000 करोड़ का लॉस होगा तो बहुत अच्छा होगा ये इनके लिए, क्योंकि एटलीस्ट लॉस कम होने की वजह भी ये है कि सितंबर क्वार्टर में जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और अगर 15-20% रेवेन्यू बढ़ जाता है उसके चलते तो जो लॉस है वो थोड़ा सा कम होगा तो बेहतर होगा, और आने वाले क्वार्टर में थोड़ी सी और अच्छी उम्मीद हो सकती है इनसे। लेकिन अगेन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। अभी जो भी उम्मीदें थी कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में इनके AGR जो कैलकुलेशन है उसको फिर से इन्होंने पिटीशन दाखिल करी है, कुछ अच्छा आ जाएगा, तो अगेन कुछ अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन खारिज कर दी है, कुछ अच्छा वहाँ से नहीं निकला है। तो अब सब कुछ दारोमदार हो गए इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस के ऊपर, इनकी कुछ खबरों के ऊपर, जैसे कि आज खबर आई यहाँ पर जिसके चलते तेज़ी देखने को मिल गई, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर अब करने वाला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होगा तो अच्छी बात होगी यहाँ पर। और मैंने पहले भी कहा, जो डर मेरा इस कंपनी को लेकर है वो यही है कि इन्होंने बहुत लोगों के साथ इक्विटी डील करी हुई है, कर्ज के बदले पैसा चुकाने के बदले इक्विटी डील करी हुई है। अब देखो उनको चाहिए पैसा, उन्होंने दिया इनको शेयर्स, तो वो बेचेंगे ओपन मार्केट में उसको जब भी तेज़ी आएगी। ये जो अच्छी खबर आई है, ठीक है, हो सकता है कि जब अच्छी खबर आई मॉर्निंग में तेज़ी आ गई, कुछ लोगों ने बेचा होगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.17% की है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.77% FIIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 5.89% की है, अदर पार्टीज 37.18% पर है, इनमें से गवर्नमेंट भी यहाँ पर तकरीबन 23-24% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। FPO में गवर्नमेंट ने भी बिकवाली करी हुई थी, गवर्नमेंट ने भी पैसा कैश करा था FPO में, आपको बताऊँ तो जो अभी हाल में इन्होंने पैसा रेज करा है उसमें, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने भी यहां से जुटा लिया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को भी इक्विटी मिली है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को इक्विटी चाहिए नहीं थी, ठीक है, लेकिन उनको मिली है। और गवर्नमेंट लगातार उसके बाद इनको पुश कर रहा है कि भैया पैसा रेस करो तुम, क्योंकि हर साल हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि AGR ड्यूज़ का हर साल इनको 5000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तो हर साल इक्विटी एक्सेप्ट नहीं होगी, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा वोडाफोन आइडिया को लेकर, देखो कंपनी जो है वो फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा वीक कंपनी है, लेकिन जो टैरिफ बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि रेवेन्यू में शायद थोड़ा बहुत सुधार आता नज़र आए। कंपनी लगातार अगर अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा, हालांकि बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट आई थी सब्सक्राइबर की उसमें जियो ने भी सब्सक्राइबर लूज़ करे हैं, एयरटेल ने भी लूज़ करे हैं, वोडाफोन ने भी लूज़ करे हैं, सिर्फ BSNL ने सब्सक्राइबर गेन करे हुए हैं। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में अब जो है कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं अब जियो को भी टफ होगी, क्योंकि सब्सक्राइबर लूज जियो का अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि महंगे प्लान सबके हो चुके हैं, ठीक है, सबके प्लान बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं यहाँ पर। और अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर लूज इसके नहीं होने चाहिए, और जैसे कि मैंने कहा था कि तेज़ी आई यहाँ पर, लेकिन अब गिरावट भी शुरू हो रही है, देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होगा ये कहाँ पर जाएगा। मैं इतना कहूँगा कि देखो सिंगल डिजिट में आने का मैं यहाँ पर वेट करूँगा, वहाँ पर शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत लंबा टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा तेज़ी के लिए, क्योंकि अब जो अच्छी खबर थी सुप्रीम कोर्ट वाली वो तो बुरी खबर में तब्दील होती नज़र आई, और ये जो अच्छी खबर मॉर्निंग में आई थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला ज़रूर, लेकिन वापस अब गिरावट भी वो दिखा रहा है। तो समझिए उस चीज़ को, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।